मिर्च लगा रहे हो आप? मेरे को आती नहीं है लगाने का, ट्राई करो। पिछली बार तो आज तो दीदी ने आपकी लगाई थी, है ना? दिवाली पे लगाई थी, करवा चौथ लगाई थी आपके पैर पे, दोनों पैर मैंने दिवाली पे लगाई थी वो। हाँ दिवाली, हल्की सी मेहंदी दिखा दीजिए, डिजाइन कैसा बना रहे हैं आप? लगाने तो दो, अरे रुक जाओ ना, डिजाइन तो देखने दो। देख सकते हो मम्मी ने ये बनाए बीच में फ्लावर, उंगलियों पे लगाया है ये क्या है? ये पता नहीं क्या, बेल सी बना दी बेल। और ये रिंग बनाई है आपने? ये मैं कोशिश कर रही थी कुछ क्रिएटिव करने की, लेकिन डिजास्टर हो गया। और ये मैंने फोन में से देख के बनाई, वो इतनी सुंदर बनी थी और मेरे में ऐसे जाला सा बन गया। फिर मैंने सोचा छोड़ो पुराने डिजाइनों में आ जाओ, जो जिंदगी में लगाए नहीं। ये न्यू ट्राई है, ये ओल्ड है, ये मैं हर साल लगाती हूँ। ये मैंने नया बनाया इस बारी, मुझे भी पता नहीं मैंने क्या अच्छा मैंने क्या बनाया, मुझे भी नहीं पता। अरे मम्मा आज चूड़ी बनाना भूल गए हैं, चूड़ी मम्मी हटाना भूल गए हैं। ये यहाँ मेरा खून रुक जाएगा इससे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर, तो मैं दिख रही हूँ? हाँ दिख रहे हो आप। ठीक है फिर बोलूँ? बोलो। बस मैं अभी लगा रही हूँ मेहंदी और रात के बज रहे 9 और मुझे पता नहीं आज सोने में कितना देर होगा। और मम्मी की पहली कौन चल रही है? पहली कौन कौन बोल रही, मैक्रोनी बना रही हूँ मम्मी। अरे अब बस देखती हूँ मैं कितनी लगा पाती हूँ, 1 घंटा ही लगूँगी। 1 घंटे में मुझे सारे हाथों में पैरों में भी लगानी है, जब यहाँ की ये लगाऊँगी फिर पीछे के लगा दूँगी, पैरों में लगाऊँगी तब तक ये सूख जाएगी, ऐसे पता नहीं लगूँगी। मैं लेफ्ट हैंड से लगा रही हूँ ना, ये लाइट से लगा रही हूँ। राइट हैंड से लेफ्ट में लगाना मुश्किल है, लेफ्ट से राइट में लगाना आसान है, पर मुझे ही लगानी है। मेरे को कौन लगाने है? राइट से लेफ्ट में नहीं लगा पाते आप? राइट से लेफ्ट में लगाना बहुत मुश्किल होता है। मैं लेफ्ट में राइट से जल्दी जल्दी लगा लूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं राइट में अभी उठना है मैंने। हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये जो है उससे नेक्स्ट डे है, रात को मेहंदी लगाते लगाते मुझे बहुत लेट हो गया था, लगभग 11:30 बजे मैं सोई थी और लग रहा था थोड़ी देर में लग जाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। तो यहाँ पर ठाकुर जी जो है वो एकदम तैयार हैं और बिल्कुल सिंपल श्रृंगार करती हूँ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं यशोदा दामोदर जी को भी जो है माला पहना रही हूँ, और बस दामोदर जी को मैंने पहना दी है, अभी मैं यशोदा मैया को भी पहना दूँगी। तो बस अभी हम जो है इसके बाद करेंगे ठाकुर जी की मंगल आरती। और आप सभी के कार्तिक कैसे जा रहे हैं आप सभी मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए अभी हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है फूल वाले प्रभु जी ने ये मोटी सी माला दे दी है, तो जगन्नाथ जी की अगर आगे डालती हूँ तो वो बिल्कुल आइज़ में आती, तो इसलिए मैंने इस तरह से पहना दी है। और बाहर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम अंधेरा हो रखा है। तो चलिए अभी हम आपके साथ आगे ब्लॉग शेयर कर लेते हैं, और देखिए ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। और ठाकुर जी एकदम अच्छे से तैयार हैं, और दामोदर जी यशोदा मैया भी तैयार है, दीपदान की तैयारी मैंने करके रख दी है, आरती की तैयारी जो है वो हो रखी है। और बस तो चलिए अभी हम मंगल आरती कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सीधा जो है वो आया है सीन कि लास्ट चल रहा था, मीन्स 8 से ऊपर थोड़ा सा कुछ डिस्कशंस हो रहे थे, क्योंकि क्लास मैंने थोड़ा सा लेट शुरू की थी 10-15 मिनट, तो बस डिवोटीज़ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो चल रहे हैं। और आज ठाकुर जी के लिए मैं बना रही हूँ राजमा, राजमा को मैं अभी बॉईल करने रख देती हूँ। और बस अभी लेकिन हम आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे, तो उसके लिए मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो सरसों के तेल में मैंने डाल दिया है हींग जीरा, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें सूखा जो धनिया होता है ना वो ऐड करूँगी, और आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो वैसे तो इसका फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा रहता है, और स्पेशली जो हम आलू गोभी बनाते हैं उसमें। तो बस टमाटो का जो पेस्ट है प्यूरी है वो मैंने ऐड कर दिया है, इसमें थोड़ा अदरक भी है, हरी मिर्च मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि हरी मिर्च सूखी सूखी लग रही थी तो मैंने ऐड नहीं करी है। तो बस जार में जो लगा था वो भी मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है, और अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े बेसिक मसाले जो कि है हल्दी पाउडर और ठाकुर जी के स्वाद अनुसार नमक, जो कि सेंधा नमक ही है, इसे पिंक सॉल्ट भी कहते हैं लेकिन ये सेंधा नमक ही होता है।
और यहाँ पर जो है एक और मसाला ऐड करेंगे जो आप सभी को पता है, जो कि है काली मिर्च का पाउडर। धनिया पाउडर बहुत बढ़िया रहता है इसमें ऐड करना, मेरे माइंड से स्किप हो गया, पर आप ऐड कर लेना, बहुत बहुत अच्छा रहता है ठाकुर जी को देने में। छोले हो गए, राजमा हो गए, इसमें हमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, वो भी घर का पिसा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आप उसको चला दीजिए और इसको अब आराम से इसको पकने दीजिए। जब ये पक जाएगा इसमें हम आलू और गोभी ऐड कर देंगे। तो जो राजमा है वो मैंने थोड़े ठीक से ही बनाया, तो इसके लिए जो टमाटोज भी हमें अच्छी तरह से चाहिए। और यहाँ पर जो है सरसों का तेल जो है वो गर्म हो रहा है, उसमें मैंने ऐड करा है जीरा और वही धनिया जो है सूखा धनिया। और बस मेरा थोड़ा कुकिंग में ऐसे ही चलता है, जब मैं धनिया डालती हूँ तो डालती ही रहती हूँ और जिसमें डाल सकती हूँ, अदरवाइज़ जो है मेरा ब्रेक हो जाता है। तो बस अभी धनिया तो अवेलेबल है तो सूखा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ, और हींग जो है वो मैं ठीक से ऐड करूँगी क्योंकि मैंने बताया ये हींग मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, मतलब कोई इसमें फ्लेवर ही नहीं है, ज़्यादा फ्लेवर नहीं है। बहुत सारी ऐड करो तो थोड़ा सा फ्लेवर ठाकुर जी के लिए आता है। टमाटोज जो है वो भी अच्छे से डालें क्योंकि आपको पता है राजमा की ग्रेवी रेडी होगी। तो बस सारे जो टमाटोज लगा हुआ है वो हम उस जार में से उतार लेंगे, और ये सारी की सारी जो भारतीय जो माताएं वो करती हैं, मेरी मम्मी भी करती थी तो मैं मम्मी से ही सीखी हूँ ये। और मतलब मीन्स कुकिंग जो है वो जैसे हम करते हुए देखते हैं, मेरी मम्मी को मैं करते हुए देखती तो मैं उन्हीं से काफ़ी कुछ सीखी हूँ। और शादी के बाद भी फिर मेरी जो मदर इन लॉ हैं, जो यहाँ पे जो भी ट्रेडिशन है उनके जो रेसिपीज़ है वो मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी हैं। और इस्कॉन मैंने के बाद तो मैंने बहुत सारे डिवोटी से बहुत कुछ सीखा है, नाम बताऊँगी तो पूरा व्लॉग ही उसमें चला जाएगा। तो सभी को बहुत सारा हृदय से धन्यवाद। तो चलिए अभी हम जो है ठाकुर जी के स्वाद अनुसार नमक हल्दी पाउडर डाल देंगे, और भक्तों से हम बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनका जितना धन्यवाद दिया जा सके वो कम है, और वर्ड्स ही कम पड़ जाते हैं उनको कहाँ और कितना धन्यवाद दिया जाए। तो चलिए अभी हम इस रेसिपी को और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आपके साथ शेयर किया था ये टमाटोज जो सबसे पहले फ्राई किए थे, तो उसमें अभी हम ऐड कर देंगे आलू गोभी। और गोभी जो है वो बहुत जल्दी जो ख़राब होने लग जाती है, तो आज का जो मेन्यू मैंने इसी हिसाब से बनाया कि पहले जो सब्ज़ियाँ हम मंडी से लाते हैं जो पहले ख़राब होती हैं वो पहले ही हम उसको मेन्यू में रखें। तो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और यहाँ पर आलू गोभी राजमा चावल, और पहले चपाती बनाई थी लेकिन फिर नाइट में पूड़ी बनाई थी। तो बस ड्रॉबैक इस व्लॉग में यही है कि मैंने आप सभी के साथ में थाली शेयर नहीं करी है, क्योंकि सच सच बता रही हूँ कि मेरे सर में दर्द हो गया था, काफ़ी तेज़ हो गया था, और फिर मैं जो है ना ऑफरिंग मैंने राधिका से लगवा लिया और वो मतलब शूट नहीं कर पाई। तो लेकिन लास्ट में क्या क्या बना था जब मैं पाऊँगी तब आपको दिख जाएगा, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पे आलू गोभी जो है वो बस इसको हमें रखना है, ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो बस ये पक कर के तैयार है आलू गोभी की बढ़िया सी सब्ज़ी, और यहाँ पर जो राजमा है उसका मिक्सचर भी तैयार है, खीरे भी काटने हैं। तो बस अभी यहाँ पर जो है सर दर्द मेरा कम था, लेकिन मैं सारी के सारी घर की सेवाएँ ठाकुर जी की किचन की सेवाएँ करके फ्री हो चुकी हूँ, और जब राधिका स्कूल से आएगी तो ऑफरिंग वही लगा लेगी। तो बस बाकी सब कुछ मैंने रेडी करके रख दिया है, और यहाँ पर मैं अब हो रही हूँ तैयार। और मेहंदी जो है वो मेरी बहुत बहुत अच्छी हुई है, और अब मैं तिलक लगा लूँगी जो कि सभी वैष्णवस का जो है ऑल टाइम फेवरेट है। और तिलक लगाने के बाद जो है एक अलग ही खुशी होती है, और 12 तिलक हम धारण करते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर है, और ये शरीर जो है भगवान का ही है, तो इसको हम सुसज्जित करते हैं ताकि हम श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी गुरु परंपरा की सेवा कर सकें। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर तिलक तो मैं लगा रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ कैसा लगा है अभी। और हमें जो है तिलक लगाने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, और तिलक जो होता है एक्चुअली में देखा जाए तो ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है। और जब भी आपको कोई इस तिलक में देखता है तो आप रिप्रेजेंट करते हैं पूरी की पूरी जो परंपरा को। यहाँ पर मैं हूँ एकदम तैयार, मैं आपको मेहंदी दिखा देती हूँ जो मैंने लगाई थी, मेरे को लगानी नहीं आती, बस मैं ऐसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, शगुन के तौर पे लगा लेती हूँ। बाहर से मेहंदी लगवाने में समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, आना जाना वहाँ पे वेट करना, तो इसलिए मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ राधिका को स्कूल लेने के लिए,
तो बस राधिका को स्कूल से मैं अभी बस लेकर के आ चुकी हूँ। और प्रयास कोशिश तो था कि मैं आज का पूरा दिन ही शूट करूँ, बट मैं नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, जो जो शूट करा आपके साथ में शेयर कर दूँगी। और मैंने उस दिन लाइव भी किया था, तो आई होप आप सभी ने लाइव देखा होगा। सिंपली एंड ब्लिसफुल जो है उस पर मैंने अभी कल ही जो है लाइव किया था सब परिवार सहित। तो बस जिस दिन ये फास्ट था उस दिन इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि क्या माता जी आपने भी रखा है, तो यस मैं भी रख लेती हूँ, क्योंकि कार्तिक में व्रत आता है और जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ये व्रत रखती हूँ, और कार्तिक में व्रत रखना भी चाहिए। और बस अभी हमने जो है दामोदराष्टकम किया और लाइव भी किया था लगभग 45 मिनट का, और यहाँ पर बस उसके बाद मैं यहाँ पर दीपदान कर रही हूँ। और मेरी जो ड्रेस है वो आज जो है वो पोशाक है, राजस्थानी ड्रेस है। और यहाँ पर बस ठाकुर जी को दीप दिखाने के बाद जी ने भी दीपदान कर लिया है, राधिका ने पहले ही कर लिया था और लाइव के जस्ट बाद उसने कर लिया था। वो बाहर है, खेल रही है, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल होते हैं तो बाहर में थोड़ी रौनक सी रहती है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर प्ले कर रही है। हरे कृष्णा। तो मैं अंजना गोपी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बस आज ज़्यादा बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन प्रयास किया था आपके साथ मैं थोड़ा थोड़ा जो है आज का दिन शूट कर लूँ और सॉरी शेयर कर दूँ। और ये मेहंदी मैंने खुद लगाई थी, आपको मैंने दिखाया था, और बस ऐसी आती है, मेरे को ज़्यादा अच्छी तो लगानी आती नहीं है, तो बहुत सिंपल। और ये वाली हाथ की बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उल्टे से सीधे पर लग जाती है पर सीधे से उल्टे पर नहीं लगती है, तो बस मैं रेडी हूँ और ये बहुत मेरे नाक में चुभ भी रही है। तो बस यही था, और आप सभी के साथ मैं अभी लाइव करके ही आ रही हूँ, तो आपसे मिल भी ली हूँ। तो अगर लाइव नहीं देखा तो आप देख लेना, क्या वो रखा है, पर आज अच्छा लग रहा है फिर भी। तो बस कार्तिक के दिन होते ही ऐसे हैं, फेस्टिवल वाला फीलिंग है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अभी जो है प्रसादम मैं थोड़ी देर के बाद पाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने शूट करना शुरू किया था लेकिन बस मैं नहीं कर पाई जैसे शुरुआत किया था, और फिर मैं दूसरी सेवाओं में लग गई थी, तो मतलब वो रह गया। तो फिर कभी मैं शेयर कर दूँगी। तो आज ठाकुर जी के लिए क्या क्या बनाया वो मैं आपको साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो चलिए, आप सभी जो है अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे आई होप। आज का मेरा ये वाला जो ड्रेस है ये कुछ कुछ ये राजस्थानी ड्रेस जैसा है, वैसे तो लहंगा है और शर्ट है, तो वही पोशाक की तरह ही मैंने इसको पहना है आज। और ये रही मेरी बैंगल्स, और मैच नहीं हो रही है क्योंकि पहले मैंने बैंगल्स ले ली थी और ड्रेस बाद में ली थी, तो इसलिए मैच नहीं कर रही है ज़्यादा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, अभी मैं ठाकुर जी के किचन में जा रही हूँ और बस अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। कुछ तैयारी तो खैर क्या करनी है, कुछ भी नहीं, अब तो सब कुछ रखा हुआ है, पहले से बना लिया था, प्रभु जी ने बोला था पहले से बना दो, और बस ठीक है अभी जो करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। हरे कृष्णा, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। याने देखो मेरी चुन्नी पहन रखी है, और जी एक आधी खाऊंगी और चावल खाऊंगी, है ना, चेंज कर लेती हूँ मैं, अब घर के वस्त्रों में आ जाते हैं। और राधिका कैसा लगा आपको आज कार्तिक में, वो कहाँ जा रहे सब? क्या हो गया है? वोट मांगने जा रहे हो क्या आप? चलिए प्रसाद पाओ, पहले पानी तो पिला दो मुझे, हैं? पानी तो पिलाया ही नहीं है मेरे को। पहले मेरे को थोड़ी देना, अरे मेरे को थोड़ा प्रसाद देना, एक साथ इतना सारा मत देना कि मेरा दिल सा ही भर जाए देखते ही। चम्मच देना,
हाँ आज है पूड़ी, आलू गोभी की सब्जी, ये रहे राइस और ये रहे राजमा। अभी महाप्रसाद तो बोलने दे, पहले खिलाने देंगी। चलिए अभी प्रसाद लेते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama।